हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी? ग्रेट। आज हम सीखेंगे वन एंड मैनी के बारे में, मतलब एक और अनेक के बारे में। कोई भी वस्तु जो संख्या में एक हो उसे हम वन या एक कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिंगुलर भी कहा जाता है। जो वस्तु संख्या में एक से ज़्यादा हो उसे हम मैनी या अनेक कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लूरल भी कहा जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये बिल्ली है। ये संख्या में सिर्फ एक है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में कहेंगे कैट। यहाँ पर एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, तो क्या इन्हें भी हम कैट कहेंगे? इन्हें कैट ना कहकर हम कहेंगे कैट्स। सिंगुलर मतलब एक वस्तु को प्लूरल मतलब अधिक वस्तु में बदलने के लिए हम शब्द के आखिरी में एस लगा देंगे, जैसे कैट का हो गया कैट्स। ये है एक तोता, तो हम कहेंगे पैरट। यहाँ पर बहुत से तोते हैं, तो हम पैरट के लास्ट में एस लगा देंगे, तो बन जाएगा पैरट्स। ठीक उसी तरह एक है तो काइट, एक से ज़्यादा है तो हम काइट के आगे एस लगा देंगे, तो बन जाएगा काइट्स। ये है एप्पल। यहाँ एक से ज़्यादा है तो हम एप्पल के बाद एस लगा देंगे, तो बन जाएगा एप्पल्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। काऊ काउज, ट्री ट्रीज, एग एग्स, बर्ड बर्ड्स, डॉग डॉग्स। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ बुक, आई हैव बुक्स, बुक बुक्स। आई हैव अ टॉय, आई हैव टॉयज, टॉय टॉयज। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव पेंसिल्स, पेंसिल पेंसिल्स। बच्चों अब आपको समझ में आ गया ना? कोई भी वस्तु जो संख्या में एक से ज़्यादा हो उसके अंत में हम एस लगाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके आखिरी में ई एस आई ई एस वी ई एस लगता है। इनके बारे में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।